तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिव, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बना के, करीब 10 दिन होने हैं मुझे वीडियो बना के। तो आज इतने दिनों के बाद फ़ोन छू रहा हूँ, मतलब कैमरा छू रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँ आप लोग, क्या बोलना चाहिए मुझे। इसे लग रहा है मैं भूल गया पूरा। काफ़ी दिन हो गए मुझे, मतलब बाइक भी चला के 10 दिन से मैंने बाइक भी नहीं टच किया अभी तक, तो काफ़ी गंदी भी हो गई रही है अभी बाइक। तो अभी चलिए जाते हैं हम लोग, नीचे जाते हैं और देखते हैं हमारा बाइक किस कंडीशन में है और कैसा दिख रहा है। तो उसको भी क्लीन करना पड़ेगा, फिर क्लीन करने के बाद ही कहीं बाहर निकलेंगे राइड। तो भाई साहब, देख सकते हो आप कितनी गंदी हो चुकी मेरी बाइक 10 दिनों से, इसको हाथ नहीं लगाने के बाद देखो ये हाल हुआ है इसका बेचारे का, काफ़ी गंदा हो चुका है। देखो एकदम गंदी, सब क्या क्या आ गया यार, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। देख सकते हो आप क्या क्या आ चुका है इस पर। तो चलिए फटाफट इसको क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद आप लोग से मिलता हूँ मैं। तो गाइस, चलिए फटाफट कपड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कपड़ा नहीं चेंज करूँगा तो मेरी मम्मी मुझे धो देगी। अभी मेरी गाड़ी कम्प्लीटली एकदम क्लीन हो चुकी है, देख सकते हो आप, मस्त लग रहा है यार, काफ़ी दिनों के बाद धोया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त में एकदम ऐसा लग रहा है अभी भी बाहर से गाड़ी धुलवा के ला रहा हूँ, मस्त में चमक गया। तो भाई, हमारे बिल्डिंग में क्लासेस है तो इसकी वजह से बच्चे आना स्टार्ट हो गए, और मोबाइल में माइक काम नहीं कर रहा है तो अभी इसके लिए भी दूसरा माइक खरीदना पड़ेगा। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई, काफ़ी दिनों के बाद गाड़ी चलाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरा ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा है यार, ऐसे तो हो जाएगी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ब्रेक सही से काम नहीं करेगा तो फिर हम कैसे जाएंगे आगे तक। टीम और बिल्लू सांडा, अब आप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और ये चचा यार, क्या कर रहे हो तुम? तो भाई, अभी शाम के बजे थे 4 और काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा सीन है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं राइड पर, और कुछ इस तरीके का मौसम है, आप देख सकते हो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे आज बाइक चलाने में। 10 दिन से गाइस मैं बाइक नहीं चला रहा था, तो उसके वजह से मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं आना, मतलब ऐसा लग रहा था मैं जैसे कि कुछ मेरा कुछ खो गया है, तो इतना बुरा लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था क्या नहीं, क्योंकि देखो बीच में मेरी सिस्टर बीमार हो गई थी तो हॉस्पिटल आना जाना बार बार इधर उधर करना था, तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और बाइक भी नहीं चला पा रहा था, जिसके वजह से मुझे मज़ा नहीं आ रहा था यार। और आज बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मुझे बाइक चला, मतलब आज मैं बाइक चला रहा हूँ। और गाइस, बता देना चाहता हूँ कि देख सकते थे आप कितनी गंदी मेरी गाड़ी हो चुकी थी, और इतनी गंदी गाड़ी मैंने कभी अपनी जब से मैंने बाइक लिया है, करीब 1 साल हो गया मुझे बाइक लेके, और एक अभी तक मतलब इतना गंदा मैंने बाइक अपना कभी नहीं रखा था गाइस, आपको बता दे रहा हूँ। और यार, यहाँ से यहाँ पे मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, कैमरा निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे गाइस आप लोग ने उधर देखा हवलदार लोग खड़े थे, इसके वजह से मैंने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि देखो क्यों अपने आप फालतू में अपने मतलब अपने ऊपर फाइन मरवाना है, इससे अच्छा निकल लो फटाफट, मेरे पास लाइसेंस वगैरह सब है, बट कैमरा मतलब हेलमेट में लगा के रखा हो तो पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, मुझे रोक लेंगे कभी पकड़ लिए, तो इससे अच्छा मैं सीधा निकल जाऊँ यार, इतने दिनों के बाद बाइक चला रहा हूँ तो थोड़ा आनंद तो ले लूँ बाइक चलाने का, है कि नहीं? तो इसके वजह से मैं बाइक वाला, चलो फटाफट निकल लेते हैं यहाँ से कैमरा बंद करके, अब यहाँ से मुझे वेस्ट में जाना है मुझे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने में आज। और एक चीज़ यार, तो मैं ये बोल रहा था कि मेरी बाइक का प्रॉब्लम आ गया, एक पता नहीं क्या हो गया, मतलब ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा ब्रेक कच 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 आवाज़ कर रहा है, तो उसके वजह से मुझे किसी गैरेज वाले को पहले दिखाना पड़ेगा, और कुछ थोड़ा सा ऑयलिंग भी कराना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से बाइक खड़ी है 10 दिन से, तो शायद बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ गई है चैन और ब्रेक पे, तो उसके वजह से आवाज़ कर रहा होगा, और मतलब कैसा बिल्डिंग में काम चल रहा था ना, तो वहाँ पे कैसा उसके वजह से पूरा पानी मेरी गाड़ी पे गया, तो उसके वजह से भी हो सकता है ज़्यादा आवाज़ के, मतलब गंदगी जो बैठ गई है उसके वजह से भी आवाज़ कर सकता है। तो पटावन्नल आ गया सिग्नल से निकलने के बाद, जस्ट थोड़ा सा ही आगे, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 50 मीटर के अंदर ही है, और मेरा लेंस कार्ड ये देखो आ चुका है, लेंस कार्ड वहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो अभी लेंस कार्ड आ गया है, और मेरा नहीं है बस मेरा चश्मा वहाँ पे, तो मुझे लेंस कार्ड
के पास जाना है और फटाफट लेना है अपना चश्मा और फिर यहाँ से निकलते कुछ स्पेशल करेंगे। भाई अभी मैंने अपना चश्मा ले लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पता है जब चश्मा मैंने लगवा मतलब पहना ना वेयर किया ना तो उस टाइम में क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब मैंने कैसा फर्स्ट टाइम चश्मा लगवाया मतलब पहना है। मुझे पावर वाला अभी जस्ट लगा है, तो जब चेकअप करा के मतलब लगवाया ना मैंने तो उसमें क्या ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा पावर है, बट उन्होंने क्या बोला कि आप आपका जो पावर है ना वो कुछ दिन आप अगर पहनोगे तो उधर सही हो जाएगा। और अंकल जी झगड़ा कर रहे हैं यार, जाने दो यार, झगड़ा मत करो, जाने दो कोई जाने दो झगड़ा मत करो, अंकल लोग झगड़ा कर रहे हैं। और हम लोग निकल चुके हैं। तो हाँ, तो ये बता रहा था आप लोग को कि जब मैं जैसे ही मैंने चश्मा वेयर किया ना गाइस, तो मुझे पावर कुछ ज़्यादा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कुछ दिन पहनो, उसके बाद में आपका धीरे धीरे एक हफ्ते में सही हो जाएगा। और अभी जस्ट ले लिए, निकल लिए और वहाँ पर देखे आप लोग ने अंकल लोग झगड़ा कर रहे थे, पता नहीं क्यों झगड़ा हो जाता है। मेरे हाथ में इतनी खुजली हो रही कि भगाने की बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है मुझे, लेकिन भगा ही नहीं पा रहा हूँ। शाम का टाइम है, नाला सबारा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतना याद रखना गाइस। अगर आप लोग नाला सबारा से हो तो पता, जो नाला सबारा से उनको पता है, लेकिन जो नाला सबारा में नहीं रहते या मुंबई में जो नहीं रहते उनको नहीं पता रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और देख सकते हो ये सीधा लाइन जाता है मेरा घर, और नाला सबारा जो मुंबई में रहता है उनको पता है कि ट्रैफिक अगर शाम के टाइम अगर कहीं आप जा रहे हो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ से ट्रैफिक में गुजरना पड़ता है, और आगे टोले लोग फिर से खड़े रहेंगे तो उनसे हमें बचना है, क्योंकि अगर पकड़ लिए तो हमारी बैंड बच जाएगी। पता चला इतने दिन के बाद बाइक चलाने का मौका, फिर यहाँ से निकल जाएगा और मजबूत मार खाऊंगा पापा के यहाँ से, क्योंकि पापा बोलेंगे जब तू लाइसेंस तुझे लेके जाना चाहिए, मैं कैसा लाइसेंस लेके नहीं आया, इसके लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और अपने पास लाइसेंस जेब में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब देखो, वहाँ से ट्रैफिक ख़त्म नहीं हुआ कि इधर भी ट्रैफिक चालू हो गया, ये सब। ओहो कितनी अच्छी बाइक है यार, ये होंडा की जो ये बाइक है ना, ये बुलेट के जैसी एकदम दिखती है, फुल बुलेट के जैसी दिखती है, बुलेट के जैसे बनाया इसको भी। बस ये है कि अभी तक चलाया नहीं इसको मैंने, मेरे एक दोस्त ने लिया है, कभी बोलूँगा उसको उसका बाइक ट्राई करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ये भी क्रूज़र बाइक जैसा दिखता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको इसमें से मटकी चाहिए तो ले लो मटकी, काफ़ी अच्छे सस्ते सस्ते 5-10 रुपये का एक मटकी दे रहा होगा इस, अगर आपको चाहिए तो ले लो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये दुख का है ख़त्म नहीं होता यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है यहाँ से, ट्रैफिक ख़त्म होना मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कब ट्रैफिक ख़त्म होगा यहाँ से। तो फाइनली हम लोग बड़ी मशक्क़त बड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं ट्रैफिक से, और ट्रैफिक से निकलने के बाद अब हमें जाना है पापा को लेने। जो मेरे पापा जी हैं ना वो मुंबई में जॉब करते हैं, तो अभी आते ही होंगे, तो उनका टाइमिंग है कुछ 5-6 बजे का टाइमिंग रहता है, 5:30 या 6 बजे तक का टाइमिंग रहता है, तो उस टाइम पे आना रहता है, या मैं आऊँगा या मेरा छोटा वाला भाई, दो में से एक कोई आता है। और यार ये क्या कर रहा है ट्रैफिक, ट्रक वाला तो परेशान कर दिया यार, अभी ट्रैफिक से परेशान था अभी ट्रक से परेशान हूँ मैं। एक तो ये यार साले पीछा ही नहीं छोड़ते मेरा। तो भाई साहब मेरे पिताजी आ चुके हैं, अब उनको लेके निकलना है घर पे। तो टाइम अभी शाम के 6 बजे, तो इस टाइम पे अब कहाँ जाऊँगा, और अकेले घूमने में मज़ा भी नहीं आता यार। और एक मेरे दोस्त है, एक यूट्यूबर है, वो भी नाला सपारा में रहते हैं, तो अभी उनसे भी मुझे उनके साथ अब अच्छा है, मुझे मतलब कोई पार्टनर मिल गया, अब देखो उनके साथ कब मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है। तो कहीं अगर मुझे जाना रहेगा तो लंबा टूर में कर सकता हूँ उनके साथ, क्योंकि यार कैसा अकेले में रहता था तो थोड़ा जाने में प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन अब कैसा अच्छा कोई साथ में आ गया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। तो मुझे तो भाई अब हम लोग आ चुके अपने घर पे, मतलब बिल्डिंग के नीचे। ये मेरा आ गया चश्मा, अब इसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट, तो इसको पहन कर चेक कर दें कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का चश्मा है मेरा, और अब इसको लगा के चेक करेंगे
तो गाइस मैं अभी जस्ट अभी अपना चश्मा पहन चुका हूँ और आप लोग देखो कैसा लग रहा है। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, फेस पे सूट नहीं कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी वापस जाऊँगा और फ्रेम इसका चेंज करा लूँगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस अभी फाइनली मैं बिल्डिंग में आ चुका हूँ और ये मेरा देखो अक्षु कितना क्यूट है, बहुत मस्ती हो रही है गाइस, ये बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। ये मेरी प्यारी भाई और ये मेरी छोटी बहन, ये छोटा भाई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, आज मज़ा आ गया वीडियो बनाने में। तो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।